के दस्तक दी थी और 4 जुलाई को मॉनसून ने जयपुर में प्रवेश किया था, लेकिन उसके बाद से ही मानो मॉनसून एक जगह ठहर गया, रुक गया। पिछले 5 दिनों से मॉनसून जहां था वहीं अटका हुआ है। वहीं इस दौरान प्रदेश में दिनों दिन और रात में भी लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही, लोग परेशान हो रहे हैं और पश्चिमी विक्षोभ के चलते बने इस हालातों की वजह से प्रदेश में मॉनसून पूरी तरीके से निष्क्रिय बना हुआ है, जो अगले 48 घंटों तक ऐसे ही बने रहने की पूरी संभावना है। सूबे में पड़ी इस साल भीषण गर्मी और उमस के साथ ही नौतपा में धरती तप गई थी, जिसके बाद मौसम विभाग ने संभावना जताई थी कि इस साल पूरे प्रदेश में मॉनसून की औसत बारिश से करीब 20 से 25 फीसदी ज्यादा बारिश होने की संभावना है। लेकिन 4 जुलाई के बाद बार बार मौसम में बदलाव और पश्चिमी विक्षोभ के चलते मॉनसून एक जगह ही ठहर गया। राजधानी जयपुर में 4 जुलाई को करीब 80 एमएम पानी बरसा था, लेकिन उसके बाद से ही जयपुर में एक बूंद पानी नहीं गिरा, जिसके चलते गर्मी और उमस फिर से अपना प्रकोप दिखाने लगी है। मॉनसून के कमजोर पड़ने से अब पूरे प्रदेश में हालात ऐसे बन गए हैं कि बीते 3 दिनों से प्रदेश के किसी भी हिस्से में बारिश नहीं हुई है और धूप निकलने के चलते तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जाने लगी है। जयपुर में जहां इस दौरान दिन के तापमान में करीब 5 से 6 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है, तो वहीं रात के तापमान में करीब 4 से 5 डिग्री बढ़ने से उमस सताने लगी है। पूरे सूबे में दिन का तापमान करीब 35 डिग्री के पार पहुंच चुका है और रात का तापमान भी करीब 26 डिग्री का आंकड़ा पार कर चुका है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों तक प्रदेश में गर्मी और उमस के ऐसे हालात बने रहने की पूरी संभावना है, तो वहीं 48 घंटों के बाद मॉनसून के आगे बढ़ने के साथ ही सूबे के कई जिलों में हल्की से तेज बारिश होने की संभावना है। साथ ही इसी दौरान प्रदेश की आधा दर्जन जिलों में भारी बारिश होने की भी संभावना है। ललित वर्मा, जी मीडिया, जयपुर।